कल मैंने एक लड़की का इंटरव्यू किया जिसका नाम है आयशा। आयशा टी स्टॉल चला रही है, अपने हाथों से कमा रही है और अपने अपना घर चला रही है, मुझे इतना ही पता था। और हाँ, मैं बेहयाई को कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ ना करना चाहूंगी, बट मेरा ये जो फोन है, ये जो मेरा फोन है, इस पे मुझे आप कहे 1000 फोन आए, आप कहे मुझे 2000 फोन आए, इतने फोन किसी को नहीं आते हैं। जितने कॉल्स मुझे आ रही है, जितनी मैसेजेस मुझे आते हैं, जितने स्क्रीनशॉट्स मुझे आ रहे हैं कि आसिफा हम आपको फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, हमारी बच्ची आपको फॉलो करती है, आपको उस लड़की का इंटरव्यू नहीं करना था, आपको उस लड़की को प्रमोट नहीं करना था। छपरी जर्नलिस्ट हैशटैग लगा रहे हैं हर किसी को, इट्स नॉट ओनली मी, हर किसी को। और मुझे बड़ा मेंशन किया जा रहा है कमेंट्स में कि आसिफा लुक एट दिस, लुक एट दिस। कोई वीडियोज बन रही है जो फिशर वुमेन, कुछ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे आपके साथ बहुत चीजें शेयर करनी है। इंस्टाग्राम पे हर जगह पे मेंशन किया जा रहा है इस वक्त कि आसिफा लुक एट दिस, आसिफा लुक एट दिस, बड़ी बड़ी वीडियोस बन रही है। ये शायद आप लोग मुझे इतना इतनी आप लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मैं कह सकती हूँ कि जो मैं करती हूँ वो चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो चीज मेरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मैं जो कर रही हूँ आप नजर रखते हैं मुझ पे, मैं कहीं पे गलत करती हूँ या मैं मुझे कहीं पे नहीं पता होता है कि यहाँ पे ऐसा है, आप मुझे मदद करते हैं, आप मुझे कॉल करते हैं। जस्ट मैं आपको एक फोन दिखाऊंगी अपना, ये जी देखे, ये जी मेरा फोन है, मैं दूर से ही दिखाऊंगी। बहुत सारी कॉल्स है, बहुत सारी, देखिए इतनी कॉल्स इस पे आ रही हैं। बस इस पे यही बोला जा रहा है कि आसिफा आपने गलत किया, उस गोजवारा में जो लड़की ने स्टॉल लगाया है आपने गलत किया, सबने हालांकि किया। इट्स नॉट ओनली आसिफा बशीर वो जो वहां पे गई, जिसने वहां पे बात की, हालांकि मैंने पूछा। अब आप बात कर रहे हैं, देखिये वो अपना काम कर रही है, रोजगार चला रही है, मैं भी मानती हूँ, तो उस चीज के लिए सराहना की थी मैंने, बाकी किसी चीज के लिए मैंने सराहना की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ये बोला था कि मैंने पूछा भी उनसे, कंसर्न भी लिया उनसे, पूछा भी अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो क्या आप मुझे, आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, आपके गेटअप पे बात करनी है, गुस्सा तो नहीं आएगा, गुस्सा तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये मेरा देखो, ये मेरा काम है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। लोगों ने कमेंट किया, क्या पर्दे लगाई थे, क्या ना ये कह रहे थे, आप मुझे जवाब देंगे? उन्होंने कहा हाँ जी मैं दे दूंगी। फिर मैंने उनको ये पूछा था कि लोगों का कहना है, मेरा कोई कहना नहीं है। मैंने उनको ये बोला कि मेरा कोई कहना है, तब भी मैंने क्लियर किया। और मेरे लिए जो वो कर रही है वो अपनी कब्र के लिए कर रही है, उनके लिए, वो लोग आपको अभी देख रहे हैं, उनको एक जवाब, मुझे नहीं उनको जवाब। अगर वो प्रॉपरली खुद, हाँ हाँ, अगर वो खुद परफेक्ट होते ना तो मैं उनकी बात सुनती भी, खुद वो परफेक्ट नहीं है। मतलब वो टिप्पणियां, वो बकवास वही लोग करते हैं जो दिन भर घर में बेकार होते हैं, जो बिजी रहते हैं वो ये बकवास नहीं करेंगे कभी, और जिनका माइंड सेटअप ठीक हो ना वो कभी ये बकवास नहीं करते हैं। देखिए मैं कोई जज यहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ जो कि यहाँ पे कश्मीर में देखेगा कि फलानी ने कौन से कपड़े पहने हैं, इसने कौन से कपड़े पहने, उसने कौन से कपड़े पहने हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ये आपको अपनी कब्र के लिए है, ना कि मेरे लिए है। मैं इस लिबास में चलती हूँ, हो सकता है मुझसे भी कोई गलतियां हुई होगी, वो उस लिबास में चलती है, हो सकता है वो ऐसा कुछ काम करती होगी जो आपको नहीं पता है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोज बन रही है कि गर्ड वर्जन पर उन्होंने इंटरव्यू है, तू चुका सही मन करने, उसका गेटअप है, वो उसका गेटअप है। तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, आप लोग वहां पे क्यों नहीं जाते हो, आप लोग उनको क्यों नहीं बोलते हो, आप मुझे ही टैग क्यों कर रहे हो? आसिफा के हाथ में छड़ी तो है नहीं, आसिफा के हाथ में कोई डंडा तो है नहीं जो उसको जाके वहां पे पीटे, यहां से निकलो। मुझे किसी ने उसका आईडी भेजा है, पहले देख लीजिए, ये इसका एल्कोहलिक आईज 705 इसका आईडी है, ये देख लीजिए, ये आईडी मुझे भेजा जा रहा है। मुझे बार बार हर जगह जहां जहां पे वीडियो चढ़ रही है देख लीजिए, मुझे मेंशन किया जा रहा है, इसकी वीडियोस मुझे दिखाई जा रही है, मुझे बोला जा रहा है कि इसने, मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगी, वो सारे कमेंट्स आप तक पहुंचाऊंगी। मुझे कहा जा रहा है कि इस लड़की ने एक सिख के साथ भाग के शादी की है। अरे ये इसकी अपनी लाइफ है, आप लोगों को क्या है इसके साथ? आप अगर आपने मुझ पर छोड़ा है, आप देख लीजिए मैं ही क्या करूंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसकी आईडी है, मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। हाँ, इसमें ऐसे कुछ फोटोग्राफ से मैं बता भी नहीं सकती, हालांकि मेरा जमीर इजाजत नहीं देगा कि मैं आपको वो दिखाऊं। देख लीजिए, ये मेरा आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें मैक्सिमम लोगों ने मुझे टैग किया है, मुझे यहाँ पे मेरा नाम मेंशन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं जहां जहां पे कोई भी कहीं पे भी कुछ चल रहा है, मुझे टैग कर रहे हैं, आसिफा देखो इसकी आईडी, आसिफा
मीर सफान, यहाँ पे मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे है मीर सफान, ठीक है। मीर सफान ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया है, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये कशरपुर आसिफा है, इन्होंने मुझे टैग किया है। मैं बताती हूँ आपको इन्होंने मुझे किस चीज में टैग किया है। मैंने नहीं उसको बोला था वहां पे टपरी लगाए, मैंने नहीं बोला था आप वहां पे चाय भेजो, मैं नहीं, मीर सफा ने मुझे बोला है आपने वहां पे जाके बेहयाई को प्रमोट किया है। मे भी अगर आपको सफान लगता है कि मैंने बेहयाई को प्रमोट किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि बेहयाई को प्रमोट किया जाए। आई गॉट फेड अप, आई रियली गॉट फेड अप, और मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूँ, मैंने जो चाहे वो मिलियन में वीडियो गई हो, चाहे वो 1,000 लोगों ने देखा हो, चाहे वो 1 करोड़ लोगों ने देखा हो, मैं सारी वीडियोस वो डिलीट करने जा रही हूँ। गोजवारा की लड़की की मैं जरूर एक कमेंट पढ़ूंगी, आप देख लीजिएगा। कमेंट है, मीर सफान लिखते हैं कि मेरा आईडी मेंशन किया है, लिखा है एक वीडियो है उस पर इन्होंने लिखा है, हाँ इन लेडीज को ऐसा क्या करना होगा कि ये भी तुम्हारे कैमरा का कवरेज बनेंगे। यहां तो कभी आपने इनको प्रमोट नहीं किया, वो 2 टके की लड़की सिख से शादी करके चाय बेच रही है, उनको आपने पहले प्रमोट किया, कोई जवाब है? इन्होंने उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला है कि क्या कोई जवाब है आपके पास। उसके बाद मैंने इनको इतना लिखा है कि कशरदास्तान पर लाइव आ रही हूँ, रिप्लाई मैं वहीं पे आपको देने जा रही हूँ, और मैंने इनको ये भी लिखा बी कनेक्टेड, और इन्होंने मुझे वहां से लिखा है टाइम भी बता दीजिएगा, शायद बाकी भी देखने आएंगे। गई हूँ, देख लीजिए, ये भी एक ने मुझे भेजा है, देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए, ये आईडी आप लोगों ने मुझे भेजा। मैं फेड अप हो गई हूँ, और आप लोगों के सामने ही मैं सारी वीडियोस जो मैंने की थी, खैर मुझे लगा था कि अपना काम कर रही है तो वी शुड अप्रिशिएट दैट गर्ल, मैं उसके कोई अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, हालांकि नहीं करना चाहिए था। हमारा काम है आप लोगों को, हमारा काम है प्रमोट करना, वो एक डिवोर्सी है, वो कहाँ से लाएगी? और रहा सवाल अपने अपीयरेंस का, ये आप उनकी खुद की प्रॉब्लम है, ये उनकी अपनी लाइफ है, तो खैर वो सब छोड़े। मैंने कहाँ पे उसकी वीडियो की है, मैं वो डिलीट करूंगी। ये वो वीडियो है जो मैंने की है, ये मेरा इंस्टा आईडी है, तो ये है वो वीडियो, इस पे बहुत सारा, यही है वो वीडियो जहाँ पे मैंने इसको, कोई मुझे नहीं कुछ लगा कि इसने कुछ, मुझे नहीं लगा, अगर आपको लगा तो अगर दैट मीन्स कि आप लोग सही है, हम ही गलत है। ये जो है आयशा का, आयशा ने मैंने इस पे लिखा था आयशा यंग चाय वाली एट गोजवारा अपना काम कर रही है, वीडियो चल नहीं रही है तो आपके सामने मैं इसको डिलीट मार देती हूँ। बहुत नुकसान होता है जब हम किसी चीज को डिलीट कर देते हैं, ये देख लीजिए डिलीट, ये जो वीडियो है मैं डिलीट कर रही हूँ। आप काइंडली ये ना बोले कि अब आपने डिलीट कर दिया है, ये ना डिलीट नहीं कर दिया। फाइनली मैंने इस चीज को डिलीट कर दिया, और जो मैंने फेसबुक पे भी चढ़ाया है मैं वो भी डिलीट कर दूंगी, इवन इन फ्रंट ऑफ यू मैं सारा कुछ डिलीट करने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अपने जो आप मेरी फैमिली है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हर्ट हो जाए। हाँ अगर आप पर्दे की बात कर रहे हैं ना, तो मेहरबानी करके इसके बाद भी पर्दे का एहतमाम करें। मैंने भी अच्छा एक सवाल रहेगा आपसे, गुस्सा तो नहीं आएगा आपको, आपके गेटअप पे बात करनी है, गुस्सा तो नहीं आएगा? सुने, गुस्सा तो नहीं आएगा? नहीं, ये मेरा, देखो ये मेरा काम है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। लोगों ने कमेंट किया क्या पर्दा लगाई थे, कहना ये कह रहे थे उनके लिए, वो लोग आपको अभी देख रहे हैं, उनको एक जवाब, मुझे नहीं उनको जवाब। अगर वो प्रॉपरली खुद, हाँ हाँ, अगर वो खुद परफेक्ट होते ना तो मैं उनकी बात सुनती भी, खुद वो परफेक्ट नहीं है। मतलब वो टिप्पणियां, वो बकवास वही लोग करते हैं जो दिन भर घर में बेकार होते हैं, जो बिजी रहते हैं वो ये बकवास नहीं करेंगे कभी, और जिनका माइंड सेटअप ठीक हो ना वो कभी ये बकवास नहीं करते हैं। देख लीजिए वही वीडियो है, मैं डिलीट मार रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, फाइनली मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया, अब इस पे कोई भी वीडियो नहीं है। और काइंडली अगर आपको लगता है कि आप खुद परफेक्ट है, तो मेहरबानी करके एक काम करें, आप खुद आयशा को जाके बोले कि आप गलत कर रहे हो, ना कि मुझे टैग करें, ना योकुन वाव तो कहीं ना आओ। हम मीडिया वाले गए थे प्रमोशन करने के लिए, आप लोगों ने किसी और एंगल से समझा सोचा, लेकिन ये जरूर मैं आपको बोलूंगी, आप लोग तब कहां होते हो जब लोग लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं,
बेवकूफों के साथ, तब आप लोग कहां, तब नई बात आप उठा सकते हो। आज आसफा बशीर ने वीडियो किया तो आप आसफा बशीर को ही टैग कर रहे हो, तब आप नहीं कर सकते थे, तब आप बात नहीं उठा सकते थे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको आज एक जवाब दूंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली उनके हाथों में फोन होता है, ये फोन एक वबा है, एक बीमारी भी बन चुकी है। छोटे बच्चों के हाथों में हम फोन देते हैं और वो स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग में वो ऐसी बेहयाई बेशर्मी देखते हैं। इन्हीं कुछ ही, मैं हमारे पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसी लड़कियों की बात कर रही हूँ जिन लोगों ने हमें हमारा सिर शर्म से झुकाया है। मैं उन लड़कियों को गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के मेहरबानी करके ये करना बंद करो। अगर आप मॉडलिंग आपको करनी है तो डेफिनेटली करें मॉडलिंग, अच्छे से करें मॉडलिंग। आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में ही होना चाहिए, ना कि कश्मीर में होना चाहिए। मैं कोई आपको यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ, जज करने वाला तो रबुल इज्जत है और आपके पेरेंट्स है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरे पास आ गई जिनके रहते हुए, जिनको देखते हुए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं आयशा की जो वीडियोस हैं वो सारी डिलीट करूंगी। और आप भी, आपसे भी गुजारिश यही रहेगी, अगर आपको भी लगता है कहीं पे गलत हो रहा है तो आप खुद आवाज बने, आप खुद आवाज उठाए। और अगर किसी ने शायद से एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने उसमें फिशर विमेंस का जिक्र किया था, हया का जिक्र किया था, उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र उसने किया था। और फाइनली उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि ये मनचुन कह करा वीडियो की हैं, तो तू सरी मीडिया वेल दो चाय स्टॉल तो तू दो सरी, मुझे आप टैग ना करें, मुझे इनमें गिनती ना करें, बिकॉज मैंने आपके सामने लाइव में सारा कुछ डिलीट कर दिया है। आयशा, हाँ आयशा ही बात कर रहे हैं ना जिसकी चाय का स्टॉल है जी। कैसे हैं आप? ठीक, आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी जी। देखिए मेरी बात आप सुने, आपके आपका इंस्टा आईडी है? हाँ जी। ठीक है, मैं जो बोलूंगी आपको आप वो सुने। नाज़रे मोहतरम, आयशा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिन्होंने अपने दम पे, जो कि एक डिवोर्सी है, छोटी बच्ची है इनकी, इनको कोई भी अर्निंग हैंड नहीं है, इनको कमाने वाला कोई नहीं है, जो कि मैंने इनसे बात की थी कल, और जिस तरीके से मैं इनको खड़ा देखा, एक लड़की नहीं रह पाती है वैसी खड़ा, कमर में डिस्क होती है। मैंने इनसे पूछा भी था, मैंने वो वीडियो अभी आपको दिखाया भी, मैंने इनसे पूछा कि आपको कमर में मत डिस्क हो रही है, क्योंकि इतना काम कर रही है। ये इंटरव्यू बाहर वहां उस स्टॉल के बाहर नहीं दे सकी ना दे पाई, इतना काम इनको वहां पे था। और बाद में आप लोग हमें क्या क्या सुना रहे हैं, तो वो आयशा मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? बाकी आपने लाइव पूरा देखा होगा, मैंने दिखाया भी होगा, कितने टैग्स मुझे आ रहे हैं, कितनी आपकी मुझे आईडी भेजी जा रही है, आपके फोटोग्राफ्स मुझे सेंड किए जा रहे हैं। एक बड़ा ट्रेंड निकला है इस वक्त की गार्ड वर्जन छू ने इंटरव्यू करा किया, तो आपका फोटो लगाया है वहां पे, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो बहन, मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने पहले इंटरव्यू में यही बोला था कि बशर्त वर्ड नीचे की लेडी के इसको जोम चिकरा। हाँ, डाउनटाउन में पहला है, डाउनटाउन में ये केस पहला है जो काम कर रही है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं कश्मीर की पहली हूँ, ठीक है जी। और रही बात मेरी इंस्टा आईडी की, ठीक है, मैं अपनी इंस्टा आईडी यूज करती हूँ, सब करते हैं, मैं कोई एक लड़की नहीं हूँ जो खाली इंस्टा आईडी यूज कर रही है, फोटो चढ़ाती है, वीडियो चढ़ाती है ऐसे कपड़ों में, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर में ऐसे हालात है जिनकी न्यूड वीडियो वायरल हो गई। रही मेरी टैटूज की बात, मैं कश्मीर की पहली लड़की नहीं हूँ, लड़कों ने भी बनाए हैं, लड़कियों ने भी बनाए हैं, ठीक है जी। अब रही मेरे बालों की बात, यहाँ कौन प्रॉपर कवर करके बैठा है? जो कमेंट कर रहे हैं ये खुद प्रॉपर है, प्रॉपर जो वे है कपड़े पहनने का इनका प्रॉपर वो है। बाकी ये कहते हैं स्मोक करे, ड्रिंक करे, चलो मैंने ली, हाँ मैंने जो मेरी पुरानी आईडी थी, किसने स्मोक, मैं कमेंट्स की और नहीं देख रही थी, क्या आप लिसन, मैं जो मेरी पुरानी आईडी थी जी, रील सब बनाते हैं जी, यहाँ पे कश्मीर में एक चीज है, जो चीज देखते हैं ना, नहीं जो आगे बढ़ रहा है तो उसको तो पीछे खींचना ही है। हाँ, मैं खाली वो वीडियो के लिए एक्ट करती हूँ, ठीक है। और राजबाग में हालत देखो लड़कियों की, वो कैसी पड़ी होती है वहां पे। अब मैं मुंह खोलती लेकिन बहुत सारों की इज्जत उतर जाएगी, मतलब वो है, मुझे ट्रोल कर, चलो मैं काम करती हूँ। जीन्स टी शर्ट कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, जीन्स टी शर्ट लड़की ने पहन ली, हॉफ स्लीव्स पहन ली, कौन सी नई बात है। आज मैंने एक स्कूल में देखा, बोल रहे थे कि नेशनल एंथम यहाँ यूज करो, बिल्कुल स्टार्टिंग जब स्कूल ओपन हो, वहां की लड़कियों ने क्या पहना था, क्या पहना था आप बताए, जीन्स टॉप था, आप वो वीडियो देखे, तो मेरे जीन्स टॉप पे इतना बवाल क्यों, मेरे टैटूज पे इतना बवाल क्यों,
किसी, मैंने सुनो, मैंने किसी लड़की को ये नहीं बोला है कि आप काम करो तो पर्दा मत करो, आप कल आई थी मेरा इंटरव्यू लिया, आप पर्दे में थी, ठीक है, मैंने आपको थोड़ी ये बोला कि पर्दा उतार के मेरा इंटरव्यू ले लो। नहीं, हमने भी आपसे ये नहीं बोला, हमने आपके पर्दे का, हमने हाँ एक सवाल मैंने आपसे पूछा जरूर था कि आप आपके गेटअप पे कमेंट करते हैं, मैंने आपको वहां पे तब भी बोला था कि ये मेरा कोई पर्सनल सवाल नहीं था, इवन मैंने अभी लाइव पे भी वो दिखाया था कि मैंने आपको ये बोला था मेरा हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, इवन मैंने बहुतों को जवाब दिया कि देखिए आपको अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में, मुझे अपना हिसाब है, आपको अपना हिसाब है, बट लोगों ने इतनी वीडियोज बनाई है कि देखो जी गॉड वाज ने छुने इंटरव्यू करा कि हैं तो यम छ गमचन फलाने इंटरव्यू करने। नहीं, मैंने वो इंटरव्यू में बोला, मैंने कहा दौलत बस्ती में लेडीज है, वो काम करती है, वो स्टॉल लगाती है, विलेजेस की है, यहाँ पे भी जो गार्डवाज, ठीक है, देखो मेरा डिवोर्स हो रखा है, ठीक है, एक साल हो गया डिवोर्स को, मेरे घर तक कोई नहीं आया है, कोई भी एनजीओ, कोई भी कोई नहीं, कि जिसके पास मैं हेल्प मांगने गई हूँ वहाँ हालात ही खराब है कश्मीर के अंदर। ये क्यों नहीं वो देखते हैं जो डल गेट में मौलवी बैठे हैं ड्रिंक करते हुए, डल गेट के नीचे पड़े होते हैं ड्रिंक करते हुए लोग, उनको ये क्यों नहीं बोलते हैं जी? और मेरे मुझे कल से काम क्या, परसों से वीडियो क्या वायरल हुई, खुदा ना करे न्यूड वीडियो नहीं थी मेरी, जो यहाँ पे सेक्स वीडियोस अपलोड होती है उनसे तो बेटर ही वीडियो थी ना मेरी। और कहा जा रहा है कि आप इनको प्रमोट ना करें ये सिख के साथ, माफ कीजिएगा मैं पूछ सकती हूँ ये, क्योंकि ये कमेंट्स में मुझे बार बार टैग कर रहे हैं कि सिख के साथ, इसे नॉन मुस्लिम के साथ शादी की थी। देखो मैं बाहर काम करने आई हूँ, ठीक है जी, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी देने नहीं आई हूँ, जिसको मेरे पास आना है वो आए, जिसको नहीं आना है मैं उसको इनविटेशन कार्ड घर नहीं भेज रही हूँ, और जो लोग मुझे, मैं देख रही हूँ जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना वो खुद भी प्रॉपर नहीं हो गए, किसी भी वे में वो परफेक्ट ही नहीं हो गए। अब रही बात ये मुझे ट्रोल करेंगे, आपको एक इंसिडेंट हुआ था जो कि फेक था, सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है। नहीं नहीं आप बोल सकते हैं, हमारी मेरी लाइफ तो आप प्राइवेट लाइफ थी है नहीं, मेरी प्राइवेट लाइफ तो पब्लिक बन चुकी है, बना दी है लोगों ने। देखो आपकी एक वीडियो हुई थी जिसमें आपको कितना वो उछाला था, लेकिन जो सच्चाई थी वो किसी ने दिखाई? बिल्कुल नहीं। फिर आपको वो खुद ही अपना कवर अप करना पड़ा, सब कुछ सेट खुद ही करना पड़ा, बस जब वो बात लग गई पूरी दुनिया की मीडिया आ गई कि भाई ऐसा है, मेरे से किसी ने आके पूछा, चलो ठीक है ये इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं, कोई मुझसे आके पूछा कि क्या मसला है, जो एक टिप्पणियां करते हैं ना कमेंट्स में, इन्होंने पूछा रहमत की मैं सड़क पे ही होती हूँ ना, मुझसे मत मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी, नहीं मुझसे मिलते बात करते, बहन आप इधर हो क्या मसला है, ये खुद की बातें बनाना, उसने ये किया उसने वो किया, उसकी फोटो है मेरी इंस्टा आईडी है, मैं क्यों बोलूंगी नहीं है, वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई न्यूड वीडियो वैसी नहीं है कि कश्मीर का माहौल ही खराब हो गया, कश्मीर का माहौल राजबाग में खराब हो रहा है, मैं कोई 40-50 साल एजड नहीं हूँ कि मुझे आज का माहौल पता ही नहीं है। अच्छा उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो मॉडलिंग कर रही है, उनके बारे में तो लोग बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की हिन्ना भट्ट कोई ले लो, वो बिकनी लगा के है, उसको तो सब प्रमोट करे भाई हमारे कश्मीर की है। आपका देखो आपका अपना काम है, आप अपने वे में कर रहे हो, ठीक है जी। आप पर्दा कर रहे हो ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे पैरेंट का कबर बिल्कुल है ना, आपका फर्ज है, आप मुझे बोल सकती हो ना कि गालियां दे सकती हो मुझे ऐसे ऐसे। तो सिर्फ कहावत आखो आयशा बंगी छु बांग दीन ये नमाज पढ़नी या मईन बंगी छु बांग दीन। और मुझे एक बात बोलो, मुझे एक साल हो गया डिवोर्स को, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वैसा वे है कि कौन सी ऐसी जॉब है जिससे हम अपने बच्चे को पाले, हम अपना जीरो से स्टार्ट करें, कौन सी ऐसी जॉब है, जरा मुझे बोलिए, ये जो इधर बैठे हैं सारे ठेकेदार कमेंट्स में बताइएगा, आयशा जो बोल रही है ये मुझे नहीं बोल रही है, ये आप लोगों को बोल रही है, ये आप लोगों से जवाब चाहती है, कमेंट्स में जो आप लिख रहे हैं ना आपसे जवाब चाहती है, आप दे दीजिए इनको जवाब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ, एक ब्रिज की तरह काम करती हूँ, आप आयशा हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप लोग मुझे टैग कर रहे हैं, आप लोग मुझे इसकी आईडीज भेज रहे हैं, आप लोग मुझे कुछ वीडियोस अश्लील भेज रहे हैं, हम क्यों जाते हैं वहां पे, तो आप इसको जवाब दीजिए ना, अभी आयशा ऑनलाइन है, आप लोगों से बात कर रही है, हमने कोशिश की थी इनको वीडियो पे लाने के लिए लेकिन नहीं हो पाया, तो आप लोग अब जवाब दे दीजिए आयशा को, आयशा कुछ पूछ रही है आपसे जी। आयशा अगर मुझे लगता है कश्मीर में सब कुछ होता है, लेकिन होता है पर्दे के नीचे, बस सब कुछ करो पर्दे के नीचे करो, यहाँ पे कितने केसेस हो गए हैं रेप
राजबाग में लड़कियां वो इंजेक्शन लगाती है, ड्रग्स करती है, स्मोक करती है, वो कहाँ है? बस मेरे ऊपर मेरा काम चल गया तो उतारो, गिराओ। अच्छा आयशा, आपको ये दुख मत है, दुख है ऑब्वियसली होगा कि अगर आपने एक स्टॉल लगाया, जो कमेंटेटर थे या जो इन्होंने आजकल वीडियोस बनाई है, जो 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 फिशर फिशर विमेन है, सुने सुने मेरी बात, पहले मेरी बात सुने। दिलावर, वीडियो सबने देखी है, इंस्टा आईडी मेरी ओपन है, सबने देखी है, मेरी कोई न्यूड वीडियो नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप को, मैं कमाती हूँ, खुद को अच्छा रखती हूँ, बाकी पर्दा करना ना करना वो मेरे आखिरत के लिए है। आप मुझे खाली बोल सकते हो, गालियां नहीं दे सकते। आयशा का ये कहना है कि अगर ठीक है मैंने लगा लिया वहाँ पे, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग मेरे पास आ सकते थे, आप मुझे पूछ सकते थे, बहन आपको क्या ऐसी क्या दिक्कत हुई जो आपको रेड़ा लगाना पड़ा, एक स्टॉल लगाना पड़ा, क्या घर में मसला है, कोई नहीं आया बोलने के लिए, क्या मसला है, बस मुझे आए इंटरव्यू करने के लिए, मुझे आए बोलने के लिए कि आपने ऐसा कैसे किया, कब हुआ, कहां से हुआ। किसी ने मेरा, जब डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में कोई नहीं आता है, लेकिन जब बंदा सुसाइड करता है, सुसाइड के टाइम पे बोलता है अब इसको सुसाइड, अब इसको डिप्रेशन था, अब इसको ये था, लेकिन जब जरूरत होती है तब कोई नहीं आता है। तो आपने जितना ट्रोल करना था ना आयशा को, आपने बहुत ट्रोल किया। आयशा मेहरबानी करके आज के बाद आप किसी को इंटरव्यू ना दिया करें। मैं नहीं देती हूँ, देखो आप आई थी, ठीक है, आपको मैंने बुलाया था नहीं, आप खुद आई। अब अगर कोई अपना काम छोड़ के कहीं से आता है, मैं कोई, हम आपको प्रमोट करने के लिए आए थे, क्योंकि एक लड़की है वो चाय वाली बन गई है, क्यों बन गई है मुआशरे में, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब, हमारे पास कोई जॉब है ही नहीं। लड़की करे तो करे क्या, इसकी छोटी बच्ची 4 साल की है, 4 साल की बच्ची को इसको स्कूल डालना है, कहाँ से कौन देगा इसको? ठीक है, फिर आयशा आयशा काम अपना छोड़ देगी, दे दे इसको पैसे, कर दे इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, ये सारा काम छोड़िए, घर पे बैठेगी, बैठ के खाएगी, है आयशा? ऐसा होगा? आप करेंगे? आसपास जी आप बाहर निकलती हो, फील्ड में ही होती हो जी, ठीक है, आपको लगता है आजकल कोई बिना मतलब के कुछ हेल्प करता है? करता तो कोई नहीं है, मैं लोगों से कह रही हूँ, लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर कोई इंसानियत के नाते चाहता है कि आयशा की, आप चाहते हैं कि हमारी बहन पर्दे में रहे, पर्दे में ये रहेगी तो अच्छा ठीक है। अगर लोगों का कहना है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर इसको चाय स्टॉल लगाना है लगा ले, लेकिन पर्दे में रहे, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं बोलूंगी, मैंने कौन सी बेपर्दगी की वो बताइए, मैं कौन सा वन पीस ड्रेस लगा के वहाँ पे आई? जीन्स टी शर्ट कश्मीर में आम है, सब लड़कियां लगाती है, कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में लगाती है, तो मैंने कौन सा बवाल कर दिया? और रही बात कि मुझे फेम चाहिए था जी, हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ, फेम के लिए मुझे ये काम करना जरूरी नहीं था, ठीक है, कि मैं धूप में खड़ी रहूं, गैस लगा के उतनी हीट का, वो इतनी गर्मी में भी उस गैस के सामने 24 घंटे में रहूं, कोई मजबूरी नहीं थी मुझे इस फेम की। फेम के लिए और भी तरीके हैं जो यहाँ की लड़कियों ने अपना रखे हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और हम थक गए थे, मैं पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एवरीबडी वॉज यू नो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो यही नंबर है, मेरा पब्लिक नंबर है, मुझे नहीं लगता मुझे उतनी खुद की मैसेजेस आ रही थी जितनी मुझे आपकी मैसेजेस आ रही थी कि इसकी मुझे वीडियो दिखा रहे थे। आयशा ने एक बात सही कही कि जिसके बारे में निकल रहा है, जिसके बारे में जिसकी हकीकत सामने आती है, जो सच में गलत करते हैं, जब उनके फोटोग्राफ्स वायरल होते हैं, जब उनकी वीडियोस वायरल होती है, तब वो गलत होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। आयशा ने भी सही कहा, देखिए अगर आप किसी के बारे में बुरा अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट चुप रहा करें, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोले। आयशा ने रेडा लगाया है वहां पे, मैंने वीडियोस डिलीट कर दी बिकॉज मैं ट्रोलिंग का शिकार नहीं होना चाहती थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग ऐसी बातें करें। इस वक्त शाम के टाइम पे मैं किसी लड़की के साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मैं वहां पे गई, आपने देखा होगा, मैं पीछे पीछे जा रही थी, क्यों पीछे जा रही थी, बिकॉज आयशा उस हीट में थी, एक तो टेम्परेचर ऐसा था और उस हीट में थी, तवा सामने था, गैस था बहुत ज्यादा, ये चीजें आप लोग नहीं देखते हो,
आप बस देखते हो आयशा ने कब एक टी शर्ट लगाई है, आयशा ने ऐसा किया है। अच्छा यहाँ पे लोग लिख रहे हैं इसे टैटो बनाया है, दूसरा लिख रहा है इसे सिख के साथ शादी की है, तीसरा लिख रहा है कपड़े जीन्स पहनती है, बहुत सारी लड़कियां जीन्स पहनती है। आप उनको, आप क्यों नहीं फिर एक ही, हम क्यों नहीं फिर एकजुट हो जाते हैं, हम क्यों नहीं अपने कश्मीर में दीन फैला रहे हैं? फिर जो जो लड़की, जैसे सपोज मैं जीन्स पहनती हूँ, मेरे पेरेंट्स को चाहिए कि मुझे रोके बेटा मैं आपकी वजह से जहन्नम में जाऊंगा, एटलीस्ट ये मत करो। हम सब क्यों नहीं फिर एक ही जगह जाते हैं? अब अगर आपको आयशा की मदद करनी है, अगर आप एलविशर आयशा के हैं, तो इसके रेडे पे कल जाए, इसको मदद करे। आप एनजीओज हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इसकी छोटी 4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची को चलो इन्होंने छोड़ दिया ये काम, 4 साल की बच्ची को कौन पालेगा? आप पालेंगे? इनको फाके लगेंगे, आप देंगे? इनको बहुत कुछ, बहुत सारी नीड्स होती है एक लड़की की, आप देंगे? ये अपने हाथों से काम के, ये मजदूरी कर रही है आयशा, और आप उसी लड़की पे तान ताने मार रहे हैं, ठीक है? आप इसको जा सकते हैं वहां पे, समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे रहे, इस वजह से हमारे जो सोसाइटी है इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इन पे पर्टिकुलरली वीडियो बनाना, और इसके पास इतना टाइम नहीं होता है, मैंने खुद देखा है कि आयशा के पास इतना टाइम नहीं है कि ये फोन निकाले, ये कमेंट्स पढ़े, ये चेक करे, ये देखे कि मुझे लोगों ने क्या क्या, बहुत सारी वीडियोस बनी है। देखिए जिन्होंने ये वीडियोस बनाई है, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, एक बार वीडियो बनाने से पहले एक बार आप आयशा के स्टॉल पे जाए, आप देखें ये किस हीट में काम कर रही है। अगर इसको नीड है, हम तो कश्मीरी है, हमारा कहते हैं ना कश्मीरियत जिंदाबाद, आप क्यों नहीं फिर एक डोनेशन करते हो आयशा को, जितनी भी नीड है आप उसको दे दे, और इसको बोले ये यहाँ पे बंद करें, और हम बात करते हैं आयशा से कि वो सारा कुछ बंद करेगी। आप उनको वो पैसे दे जो, जिससे वो अपनी बच्ची को पाले, जिससे वो अपनी बच्ची को अपने अच्छे स्कूल में डाले,